अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिस क्रिएटिव व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की कुकीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि आप बगैर ओवन के घर में झटपट बना सकती हैं। चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है 100 ग्राम बटर। अब इसको हम बाउल में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इतना इसको बीट करना है। सेकेंड पे अब इसके अंदर मैं 100 ग्राम आइसिंग शुगर ऐड करूंगी। आपने अच्छे से इसको साफ कर लेना है। इसको मैंने आइसिंग शुगर और बटर को अच्छे से स्पैचुला के साथ मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से बीट कर लूंगी। आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है जब तक इसका कलर लाइट ना हो जाए और ये इसका टेक्सचर थोड़ा सा फ्लफी हो जाए, उस वक्त तक आपने इसको बीट करना है। अब मैं इसके अंदर एक अंडे की जर्दी ऐड करूंगी। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए बीट कर लूंगी। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क ऐड करेंगे और इसको अब मज़ीद 2 मिनट के लिए और बीट करूंगी मैं। अब इसके अंदर मैं वनीला एसेंस के चंद कतरे ऐड करूंगी। और फिर से हम इसको बीट करेंगे। मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस यूज किया है। आप इसके अंदर कोई सा भी एसेंस यूज कर सकती हैं। इससे इसकी खुशबू और भी ज़्यादा यमी हो जाएगी, टेस्टी हो जाएगी। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी। इसके बाद हम इसके अंदर मैं 200 ग्राम मैदा ऐड करूंगी। इसको हमने साथ साथ ऐड करना है और साथ साथ इसको मिक्स भी करना है। मैं इसको हैंड बीटर के साथ अच्छे से साथ साथ मिक्स करूंगी। तीन स्टेप्स में मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूंगी और साथ साथ इसको मिक्स करूंगी। तमाम बैटर को अब मैं हाथ की मदद से गूंद के फाइनल बैटर इसका तैयार कर लूंगी।
मैंने इस बैटर को 2 हिस्सों में अलग अलग बाउल में निकाल लिया है। एक बैटर के अंदर मैं 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। उस वक्त तक आपने इसको मिक्स करना है जब तक ये यकजान हो जाए। आप देख सकते हैं इसके साथ इसका कलर और भी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। अब मैं इसको अच्छे से गूंद लूंगी। इसको आप देख सकती हैं कि ये बैटर है, इसके अंदर कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस बैटर को हम अच्छे से कवर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब मैंने इसको अच्छे से बेल कर लिया है, आप देख सकती हैं। इसके बाद मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के कटर हैं, आप देख सकते हैं, ये देखें। अब मैं इनके साथ इनको कटिंग कर लूँगी। अब मैंने कोको पाउडर के बटर को बेल कर लिया है। अब मैं इसको मुख्तलिफ शेप में काट लूँगी। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको कटिंग कर सकते हैं। अब मैं इसको काट के एक ही बैटर के साथ मैंने इसको मुख्तलिफ वेग के साथ डेकोर किया है। अब मैं इसको बेक करूंगी। आप किसी पतीली या फिर ओवन में इसको बेक कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास पिज़्ज़ा मेकर था तो इसको हम उसके अंदर बेक करेंगे। तमाम कुकीज़ को इसके अंदर ऐड करके मैं इसको डाम कर 5 से 10 मिनट के लिए इसको बेक कर लूँगी और फिर आपके साथ फाइनल लुक इसकी शेयर करती हूँ। आप इनके फाइनल लुक चेक कर सकती हैं कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली मज़ीद नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।